गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. क्वेश्चन 1 to 6 वी हैव डिस्कस्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 9.7, फिल इन द ब्लैंक्स. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. फिल अप इज हियर. -3/4 × 4/6 इज ब्रैकेट के ऊपर इन्होंने एक -1 दे रखा है. एक्चुअली दिस -1 इज व्हाट, दिस इज द सिंबल ऑफ इनवर्स. यानी पहले हमने इनको सॉल्व करना है और फिर इनका इसका इनवर्स या रेसिप्रोकल. मल्टीपल इनवर्स को हम ऐसे शो करते हैं, मल्टीपल इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो, फिर हमने जो आंसर आया उसका रेसिप्रोकल लेना है. चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. -3/4 × 4/6. 4 से 4 कैंसिल. 3 × 1 = 3. 3 × 2 = 6. क्या आया? -1/2. भाई माइनस नेगेटिव था तो एज इट इज. और 3 × 1 = 3. 2 × 1 = 2. इसकी पावर -1. दैट मीन्स अब हमने इस -1 को हटाने के लिए इसका इनवर्स लेना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है. रेसिप्रोकल लेने का मतलब है न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर. सो इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? न्यूमिरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर में -1. जैसे आप रेसिप्रोकल ले लोगे ये हट जाएगा. अब देखो 2/-1 एक स्टैंडर्ड रेशनल नंबर नहीं है. स्टैंडर्ड रेशनल नंबर कब बनेगा? जब न्यूमिरेटर में माइनस चला जाएगा. सो -2 इज योर आंसर. नाउ 1/-7 इसका रेसिप्रोकल. -7 इसका डिनोमिनेटर क्या है? -7. जब आप इसको रेसिप्रोकल लोगे तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिरेटर बन जाएगा. और न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर में क्या है? 1. सो नो नीड टू राइट 1 इन डिनोमिनेटर. नाउ दिस वन फर्स्ट सॉल्व इट. तो हम इसको पहले राइट डाउन करेंगे सेपरेटली. 7 × 7, 7 × 3 = 21. 8 × 8, 8 × 2 = 16. डिनोमिनेटर तो 1 हो गया और न्यूमरेटर क्या हो गया? 3 × 2 = 6. नेगेटिव साइन 1 टाइम था तो नेगेटिव आएगा. अब -6 का रेसिप्रोकल 1/-6. हमने पता है हमने नेगेटिव नीचे नहीं छोड़ना, तो -1/6. -1/6. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेसिप्रोकल एज इट इज. यहां पे इन्होंने माइनस एक सिंबल के रूप में इनवर्स को लिखा था, यहां पे इन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया है फाइंड रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ 21/23 इज 23/21. न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर बना दो. इसमें भी बताइए क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल ऑफ -7/9 इज 19 is 19/-7. अगर यहां पे भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है आंसर, और अगर डिनोमिनेटर का नेगेटिव ऊपर कर दोगे तब भी ठीक है. सॉल्व दिस. -2 × -11/5. तो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस. पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. 11 × 2 = 22/5. 2 नेगेटिव है तो प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव. अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे. सो रेसिप्रोकल ऑफ 22/5 इज 5/22. एंड द लास्ट वन 0/3. अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आएगा? 0/3 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 3/0. तो डिनोमिनेटर में जो 0 होता है वो तो एडजस्ट ही नहीं करता, तो हम इसमें क्या लिख देंगे? इज नॉट एडजस्ट, एडजस्ट ही नहीं करता, या नॉट डिफाइंड लिख दीजिए. इज नॉट डिफाइंड. डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ना, तो वो डिनोमिनेटर का 0 दैट मीन्स नंबर डिफाइंड ही नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेफ्ट पार्ट. ट्राई टू डू योर सेल्फ.